अब देखो ये है छोटे से बाबू इधर बैठे हुए, क्या नाम है इनका? इनका नाम अदिति है। हाँ। बेटे का नाम अदिति है। हाँ। और मेरा नाम प्रिया है, मैं झारखंड से आई हूँ। अच्छा, ये भी झारखंड से ही है। चार पाँच साल पहले मुझे पीसीओडी हुआ था। पीसीओडी बहुत ज्यादा हो गया था सीवियर, तो डॉक्टर ने बताया कि ये इंडोमाइट्रियल हाइपरप्लेसिया है। तब मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी थी, तब मैं टॉयलेट से बेडरूम तक आते आते नीचे सो जाती थी, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग था। फिर मुझे हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर डॉक्टर ने बोला कि थायराइड है, तो मैंने उसकी इंडोमेट्रियल थिकनेस का भी प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया, ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम हो गया, और मल्टीपल गांठें हो गई। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब होता है फिर उसमें मां नहीं बन पाती है। फिर क्या बोले डॉक्टर? फिर वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो डॉक्टर ने बहुत तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने स्टेरॉयड देना शुरू किया उस वक्त पे। तो लेकिन उन्होंने बोला था कि ये ज़्यादा दिन खाने पे तुम्हें कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने मुझे अवेयर किया था मेडिसिन के बारे में पहले ही। तब मेरे हस्बैंड आए हैं साथ में, इन्होंने बहुत मेहनत की, बोला कि इनको अंग्रेजी दवा बिल्कुल पसंद नहीं, ये आप में बहुत विश्वास करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे वीडियोज, हम साथ नहीं रहते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ भेजे आपके, और खाने पीने का जो डाइट प्लान है पीसीओडी के से रिलेटेड आपके द्वारा कही गई सारी बातें, और बहुत साथ भी दिया। और एक प्रॉब्लम और हो गई थी कि मैं सामने अगर छोटा बच्चा भी है, अगर वो मुझे ऐसे शांति से कंटिन्यू देख रहा है, तो मुझे बहुत डर हो जाता था। राम। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी देख के बहुत ज़्यादा डरने लगती थी। फिर मैं सोचती किसी को सामने देखो उसी से भय डर पैदा हो जाता। हाँ, फिर मुझे लगता था कि मैंने कुछ किया नहीं, तो फिर मैं क्यों डर रही हूँ। तो फिर वीडियोस देखे, और कपालभाति और जो भी वो चक्की घुमाने वाला आसन है, वो बहुत जो भी एक्सरसाइजेज है उससे रिलेटेड मैंने सारे किए। और 32 मिनट के आपके एक पैकेज एक आता है यूट्यूब पे, मैंने उसे रखा था अपने पास, वो मैं वेट लॉस के लिए करती थी। तो कितना वजन कम किया बेटा? वजन तो 67 केजी हो गया था, फिर वो घटकर 54 हो गया। तो वजन कम कर लिया। और पीसीओडी? पीसीओडी तो 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया। और सबसे अच्छी बात थी कि जो मुझे मेडिसिन चल रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा, मैंने बोला कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ स्वामी रामदेव का, वो देखकर पीसीओडी के लिए, उन्होंने बोला कि बेटा मैं दवाई छुड़ा रहा हूँ बस एक विश्वास पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो तुम इसको कंटिन्यू रखना, अपना जोश कम होने नहीं देना। फिर जब 6 महीने बाद मैंने करवाया तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। फिर कंटिन्यू 5 सालों में मैंने हर साल अपनी रिपोर्ट्स देखे हैं, अब तक पीसीओडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये मेरी बेटी भी हुई पीसीओडी के बाद। ये छुपती छुपती घूम रही है पूरा जी। तो अब ये अदिति इसको योग के उपहार के रूप में मिली है, तो योग से आपको संतान सुख भी मिलता है, आपको स्वास्थ्य भी मिलता है, मन में भी शांति मिलती है, जीवन में स्वास्थ्य के साथ सुख समृद्धि सफलता विजय सब कुछ मिलता है। इसलिए मैंने, और स्वामी जी जो थायराइड का प्रॉब्लम था, 3 महीने मैंने मेडिसिन खाई है सुबह सुबह थायरोक्सिन, और वो अब पूरी तरह से ठीक है। मेरे थायराइड अब तक कभी नहीं। अब उज्जाई कर रही है और हाँ, धनिया का पानी कुछ ले रही? पानी तो नहीं लेती, लेकिन वो जो उसका पैकेज है गले घुमाने का उजाई वाला आवाज का, हाँ वो करती हूँ। तो अब मैं पूरी तरह से ठीक। और शुद्धिकरण पंचकर्म षटकर्म हो जाएगा तो ये शरीर का टॉक्सिक सब निकल जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगी। चलो, तो ये है अदिति, और ये है तुम्हारा क्या नाम बताया? प्रिया। और तुम्हारे हस्बैंड? अजीत। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पूरे परिवार के लिए, इन्होंने पूरा विश्वास किया, एक दूसरे को हिम्मत दी। हाँ? अजीत इधर आओ। हाँ। अदिति जी, इन्होंने मुझे बोला कि तुम डरो नहीं, सिर्फ बाबा पे विश्वास रखो, इन्होंने कईयों को ठीक किया है, तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। फिर एक पार्क में इन्होंने मुझे एक बच्ची को दिखाया, उस वक्त में बहुत डिप्रेशन में थी, तो इन्होंने बोला कि देखो इस बच्ची को इस उम्र में उसको अपनी दादी माँ को हेल्प करना चाहिए, लेकिन इतनी बूढ़ी दादी माँ बच्ची को हेल्प करे, क्योंकि बच्ची को कुछ प्रॉब्लम थी और बहुत बूढ़ी दादी माँ उसको वॉक करवा रही थी, तो ये सब करके उन्होंने मुझे बहुत मेंटल सपोर्ट भी दिया। चलो, बहुत आशीर्वाद। चलो, दोनों इस पूरे परिवार के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन।